दोस्तों, बॉन्साई सॉइल एक बहुत चर्चित विषय है और इसके कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। आपका देश, आपका क्लाइमेट के अनुसार इसका जो पॉटिंग सॉइल है वो चेंज होता है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि बॉन्साई सॉइल जो ट्रेनिंग पीरियड में होता है वो अलग होता है, और एक मैच्योर्ड बॉन्साई प्लांट के लिए जो बॉन्साई सॉइल होता है वो अलग होता है। जैसे मेरा इस तरह जो छोटे प्लांट आप देख रहे हैं, ये सब प्लांट बॉन्साई ट्रेनिंग में है, तो इसका जो सॉइल है वो है सेमी बॉन्साई सॉइल, जिसका वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, जब आपका बॉन्साई प्लांट ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म करने के बाद एक मैच्योर्ड आकार ले लेता है, तब उसको आपको एक फाइनल पॉटिंग सॉइल से उसको फाइनल पॉट में शिफ्ट करना है। जैसे कि मैं भी इस प्लांट के लिए फाइनल बॉन्साई सॉइल तैयार कर रहा हूँ, जिसको मैं एक महीना बाद इसको न्यू पॉट में शिफ्ट करूँगा। आप प्लांट का साइज़ देख सकते हैं, ट्रंक बहुत मोटे हो चुके हैं। बहुत बार मैं इसमें वायर बाइंडिंग कर चुका हूँ और खोल चुका हूँ। अभी तकरीबन एकदम एक शेप में आ चुके हैं, और इस टाइम मैं इसको इस तरह का फ्लैट पॉट में दूंगा बॉन्साई सॉइल तैयार करने के बाद। हालांकि जो प्लांट ट्रेनिंग पीरियड में है, देखिए मैंने उसको बड़े साइज़ का पॉट में रखा है और बहुत सारा खाद दिए है ताकि प्लांट बहुत हेल्दी बन जाए, इस वो ग्रो कर जाए, वो एक ऐसा आकार ले ले ताकि मैं उसको फिर बॉन्साई सॉइल्स में देके फाइनल पॉट कर सकूँ। तो इस दौरान मैं फाइनल बॉन्साई सॉइल नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में जो प्लांट है उसको पहले बड़ा करना है, मैच्योर करना है। लेकिन मेरा जो टमाइट बॉन्साई है वो मैच्योर हो चुका है, तो उसके लिए मैंने फाइनल बॉन्साई सॉइल का आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। इस तरह मैच्योर बॉन्साई सॉइल के लिए आपको लेना है भर्मी कंपोस्ट और लीफ मोल्ड, आपको लेना है सैंड का जो ग्रेवल्स होता है छोटे छोटे, उसको छाकने के बाद आपको लेना है ज़मीन का जो मिट्टी होता है, जैसे राइस फील्ड का मिट्टी है, आपको लेना है जो ब्रिक्स होता है उसका छोटे छोटे टुकड़े का यूज़ करना है। और इसके साथ मैंने ऐड किए हैं बोन मील, मैंने ऐड किए हैं रिवर सैंड, मैंने ऐड किया सुपर फॉस्फेट, नीम केक एंड पोटास। दोस्तों, मैंने इसमें कोकोपीट का यूज़ नहीं किए है। इसका कारण है कि कोकोपीट पानी को पकड़ के रखता है और मुझे इस तरह का फैसिलिटी इसमें नहीं चाहिए। और कोकोपीट आफ्टर 6 मंथ ऑटोमेटिक वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा कंपोस्ट मुझे नहीं देना है। इसलिए आप बॉन्साई सॉइल में कोकोपीट का इस्तेमाल मत कीजिए। जिनके पास ब्रिक्स के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हैं वो चाहे तो लावा रॉक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह ब्रिक्स आपके आसपास मिल जाए तो आप तोड़ के इस तरह टुकड़े बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि फाइनल बॉन्साई सॉइल का पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए। आपको लेना है 30% लीफ मोल्ड और भर्मी कंपोस्ट। लीफ मोल्ड सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको इसको घर में बनाना है, इसमें कोई दुकान में आपको लीफ मोल्ड नहीं मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है लीफ मोल्ड तो आप भर्मी का यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा आपको चीज़ लेना है वो है 20% सैंड का जो छोटे छोटे ग्रेवल्स होता है, थोड़ा बड़े साइज़ का छाछने के बाद जो मिलता है उस तरह का आप लीजिए 20%, इस तरह का टुकड़े देखिए साइज़ आप देख लीजिए। आपको लेना है 20% प्लेन गार्डन सैंड, मतलब के ज़मीन का जो मिट्टी होता है, जैसे गेहूं का खेत, राइस का खेत या उस तरह का खेत का आपको मिट्टी लेना है 20%। और इस तरह जो ब्रिक्स होता है, जो ईटा होता है, उसका जो छोटे छोटे टुकड़े आपको लेना है ओनली 10%। इस तरह ब्रिक्स सॉइल से बनता है, और इस तरह ब्रिक्स का एक नेचर होता है एवेपोरेशन, और पानी को बहुत जल्दी एवेपोरेट करने के कारण जो सॉइल होता है वो ठंडा होता है, और इसमें जो एरिएशन होता है वो एरिएशन भी बहुत अच्छा होता है। बाकी आपको 5% लेना है रिवर सैंड। रिवर सैंड मतलब जिस सैंड से आपका बिल्डिंग में काम होता है उस तरह आप लीजिए। और जो 10% है, 10% आपको लेना है बोन मील। दोस्तों, भर्मी कंपोस्ट से लेके बोन मील तक जितना आइटम है सब बांटने के बाद आपके हाथ में बाकी रहा 5%, और इस 5% में आपको लेना है सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड नीम केक। याद रखिएगा, लास्ट 5% में सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड नीम केक। और इसके बाद आप अच्छे से इसका मिक्सर बना लीजिए और इसको 30 दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिए।
आफ्टर 30 डेज आप इसको एज ए बॉन्साई सॉइल यूज कीजिए फॉर योर मैच्योर बॉन्साई प्लांट। इसमें दोस्तों दो आइटम सिंथेटिक आइटम है, जैसे कि आपका सुपर फॉस्फेट एंड पोटाश। इन दोनों को लिए आपको इस मिक्सर को तकरीबन 1 महीना तक आपको सुरक्षित जगह में रखना है मिक्सिंग करने के बाद, और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। तो 1 महीना बाद इसमें जो जो चेंजेस होना है उसके बाद आप इसको एज ए बॉन्साई सॉइल फाइनल बॉन्साई सॉइल अनुसार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस प्लांट के लिए इस सॉइल को यूज़ करूँगा 1 महीने के बाद। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें फंगिसाइड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए फाइनल बॉन्साई सॉइल का इस तरह का लुक है, मैंने इस तरह का जो पैकेट लिया, और आप चाहे तो इस तरह से उसको रख दीजिए, लेकिन इसको यूज़ कीजिए एटलीस्ट 30 डेज के बाद, तुरंत आप इसको यूज़ मत कीजिए। जो यूरोपियन कंट्री है या अमेरिकन कंट्री है उसमें ज़मीन का जो गार्डन सॉइल है उसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग का इंडियन क्लाइमेट है जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह कंट्री के लिए आपको 20% गार्डन सॉइल ऐड करना है, बहुत ही ज़रूरी है।